चलिए नमस्कार एजीएस, आपन गोपालगंज में स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे गोपालगंज में बन रहे चारों तरफ का पंडाल। अभी आप जो दृश्य देख रहे थे ये न्यू राजा दल है, हम वहाँ पर चलेंगे। लेकिन चलिए, ये मुख्य द्वार है राजा दल का, जो गोपालगंज के आप पूरे बिहार में नंबर वन स्थान कई वर्षों से लाने वाला राजा दल का मुख्य द्वार है। और यहाँ से अब हम हॉस्पिटल चौक के पास अभी खड़े हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जाने वाला है अंबेडकर चौक के पास, और चलते भी हैं और चल के देखते भी हैं कि क्या वाकई में कितना खूबसूरत रात्रि समय में है अंबेडकर चौक का ये दृश्य आप देख रहे हैं। और सीधे हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे जो बस स्टैंड है वहाँ पे एक पंडाल बना हुआ है, उस पंडाल का हम दृश्य आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और अभी हम मौजूद हैं ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य श्याम रोड यानी जंगलिया के सामने का दृश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे तकरीबन गोपालगंज में बंद रहे सभी पंडाल को। अभी रात्रि 2 बज रहा है, 2 बजे हम दिखाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं रोड पे श्रद्धालु बहुत कम है और भीड़ बहुत कम है, और इतना पब्लिसिटी हो चुका है जिसके वजह से बहुत सारे दूर 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 से लोग आने की संभावना भी है, आ भी रहे हैं। चलिए देख सकते हैं नंदी है, और यहाँ पे आपको कितना खूबसूरत ये कलाकारों ने बनाया है आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे अपने। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ये माता रानी का ये जो मूर्ति आप देख सकते हैं। चलिए और नज़दीक चलते हैं और नज़दीक चल के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कितना खूबसूरत ये दिख रहा है। और पंडाल की बात करें तो पंडाल भी देखिए आप, ये बहुत खूबसूरत हमें लगा, हमने इसको 2-3 बार फ़ोटो क्लिक किया, हमें बहुत खूबसूरत लगा। अगर इसको आपको देखना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस से पहले और चंद्रगोकुल रोड जाने से थोड़ा सा आगे बीच में पड़ता है, शिव मंदिर के बगल में ही है। और ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पे जो था वो पोस्ट ऑफिस चौक था। इससे होते हुए हम चलते हैं बंजारी, और ये हम बंजारी भी पहुँच चुके हैं। बंजारी में राजा दल के बाद अगर बात करें तो सबसे खूबसूरत बनने वाला ये अयोध्या, अगर आप नहीं गए हैं तो अयोध्या का राम मंदिर, श्री राम मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये राम जी है, अगर बगल में देख सकते हैं आप दो छोटे छोटे हनुमान जी भी हैं जिनको जाने का हम भी नहीं देखे अभी अयोध्या का मंदिर, लेकिन गोपालगंज में हमें दिखने को मिला। अगर हमें लगता है कहाँ इस तरह बनने वाला है और बन रहा है। चलिए सामने की अगर लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग बहुत खूबसूरत किया गया था। और अंदर चलते हैं और अंदर चल के माता रानी का वो अंदर का क्या क्या व्यवस्था किया गया है, कैसे बनाया गया है, हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये माता रानी का दृश्य है, और ये बगल में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, मेरे साथ मोबाइल पे पता नहीं है साफ आएगा कि नहीं, ये न्यू राजा दल है और ये अयोध्या का श्री राम मंदिर है। और श्री राम मंदिर के राम जी के हाथ में धनुष नहीं धरा गया, लेकिन धराना दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं है, पता नहीं कहीं मिस्टेक हो गया है या कहीं से। ये बाहरी सजावट है, आप देख सकते हैं बाहरी सजावट कितना खूबसूरत ये बनाया गया है, अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हम बात करें गोपालगंज में दो ही राजा दल और बुर्ज खलीफा, दो ही का बहुत ज़्यादा नाम है और पब्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो यही दोनों का हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, गोपालगंज हर जगह जैसे जैसे बन रहा है पंडाल सभी खूबसूरत है और सभी जगह आप जा सकते हैं। आते हैं गोपालगंज तो आप जाइए सभी जगह देखें। ये बुर्ज खलीफा है जो 7वें अजूबा में जो दुबई में बना हुआ है, आप देखिए दुबई का स्क्रीन भी यहाँ पे आपको मोबाइल पे देख सकते हैं। यहाँ पे लगाया गया है एक पोस्टर भी कि ये 7वां अजूबा का बुर्ज खलीफा है जो गोपालगंज में हजियापुर मोड़ में आपको दिखने को मिलेगा। अगर आप गोपालगंज से बाहरी से आ रहे हैं तो ये हजियापुर मोड़ पर आपको दिखने को मिलेगा। जो लाइटिंग और खूबसूरती किया गया वो ठीक ही है, अच्छा ही है, लेकिन और थोड़ा सा व्यवस्था इसमें होना चाहिए था, जितना इसका नाम है उस समय कम लगा। चलिए उसके बगल का जो पंडाल है जो हजियापुर में ही, उसी बगल का पंडाल अंदर का हम आपको दिखा रहे हैं दृश्य, कैसे ये फूल का लगावट है, फूल का बनावट है। और ये मूर्ति है, माता रानी की मूर्ति है, बगल में आप देख सकते हैं टोटल जितना है ये सब फोम का बना हुआ है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब देखिए श्रद्धालुओं के लिए कैसे रोड की सजावट की गई है। हम यहाँ से चल रहे हैं थाने रोड में चलेंगे, ये देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पे सजावट किया गया श्रद्धालुओं के लिए। रात्रि समय हम 2 बजे के आसपास में ये देखिए कि यहाँ पर भी देख लीजिए 2 बजे के आसपास में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ताकि दिन को शाम के समय लेना असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर साल की तरह इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है और श्रद्धालु भी काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। ये घोसमोड़ नहीं, ये मौनिया चौक है, मौनिया चौक के पास एक और यहाँ पे हर साल भी रखा जाता है, यहाँ पर बनाया जाता है मूर्ति।
हम चलेंगे चंद्रगोकु रूट होते हुए घोष मोड़ पे चलने वाले हैं आज। ये देखिए कैसी यहाँ पे बनावट है। जगह भी छोटा है लेकिन छोटे जगह में कितना शानदार, कितना खूबसूरत ये बनाया गया है, सजाया गया है, आप देख सकते हैं अपने मोबाइल पर। चलिए और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हुए बता सकते हैं कि ये छात्र दल की से थोड़ा सा पहले एक जगह है। यहाँ पर बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं कि खूबसूरत सजाया जाता है, और यहीं पे ये वाला हम बता रहे हैं कि इस जगह का हम नाम नहीं बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो अब सीधे छात्र दल। अगर जितना पंडाल बना हुआ है, पंडाल में अगर दो तीन, अच्छा आपको दो ही नाम है, लेकिन अगर बात करें वहीं, देखिए रात्रि समय में कैसे ऊपर में है जो लाइट दिख रहा है आपको, कितना खूबसूरत आपको दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लाइट नहीं है, और जो लाइट है जो सजावट की लाइट है और कुछ नहीं है, कुछ ऐसे ही आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप गोपालगंज नहीं है तो मिस नहीं करें, हम आपको रोज़ वीडियो आपको ऐसे दिखाएंगे। चलिए अभी हम आ गए हैं छात्र दल के पास। छात्र दल जो बनता है बहुत खूबसूरत, हर साल के भांति इस साल भी बनाए, और यहाँ की जो मूर्ति बनता है ना काबिले तारीफ है, वाकई में काबिले तारीफ। अगर आते हैं तो आप बहुत, आपको आधा घंटे से एक घंटा यहाँ पे रुक जाएंगे, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हम आधा घंटे से एक घंटा रुके हुए, इतना शाइनिंग वहाँ के मूर्ति में है। और ये देख सकते हैं घोष मोड़ पे हम खड़े हैं, और ये सामने देख सकते हैं, ये सामने है छात्र दल, जो अभी जिसका मूर्ति का मैं तारीफ कर रहा था। ये छात्र देखिए कितना खूबसूरत रात्रि समय में ये लग रहा था। ये चिराईगढ़ होते हुए आर आर जाने वाला रोड है, इसका भी सजावट आप देख सकते हैं कैसे है। चलिए तो हम आगे चलेंगे, राजा दल के पास चलेंगे, जहाँ रात का समय है, लेकिन कोशिश करते हैं, लाइटिंग भी सब जगह नहीं है बहुत जगह, और बिल्कुल देख सकते हैं कैसे खाली रोड भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि आदमी नहीं है, बहुत आदमी है। इसलिए मुख्य द्वार से होते हुए हम चलेंगे राजा दल के पास। ये देखिए कैसे सजावट है, ये है आपका राजा दल। माफ़ी चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग समय नहीं था, बंद कर दिया गया था क्योंकि जनता नहीं थी, श्रद्धालु थे ही नहीं, इसलिए बंद कर दिया गया था। पानी भी थोड़ा, बारिश भी हो गया। राजा दल देखिए खूबसूरत थर्माकोल से बना हुआ, ये राजा दल दूध की तरह जैसे चमक रहा है, ये दूध की तरह चमकने वाला थर्माकोल है, और थर्माकोल से बना है ये कलकत्ते का प्रसिद्ध मंदिर, जिसे बिरला मंदिर कहा जा सकता है, कहा जाता भी है, या इसको बताया जाता है 56 लाख से लागत से बना ये पंडाल, बिरला मंदिर बना हुआ है, जहाँ कामगारों ने आया है कलकत्ता से बन के आए हैं यहाँ पे बनाने के लिए। अब अंदर का दृश्य आप देखिए कैसे खूबसूरत दिख रहा है अंदर का, यानी इसका जो डेकोरेशन हुआ है वो बहुत काबिले तारीफ है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अगर आप गोपालगंज नहीं हैं, आए हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आए और देखिए आपके लिए कितना खूबसूरत राजा दल की तरफ से बनाया गया है। आप ऊपर देखिए झूमर जो लगा हुआ है, झूमर भी बहुत खूबसूरत लगा है, और ये मूर्ति जो है, ये माता रानी का मूर्ति यहीं पे बना है, ये कहीं से लाया नहीं गया, और इसको निकालने के लिए एक ऐसा यहाँ पे दरवाज़ा है, जिस दरवाजे को तकरीबन 24 घंटा लग जाता है खोलने के लिए, ताकि अंदर से माता रानी को निकाल कर विसर्जन किया जाए। तो ये रहा गोपालगंज का आज का दृश्य। अगर देखना अच्छा लगे